हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग। दिस इज द पार्ट 8 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सॉफ्टवेयर डिजाइन और सॉफ्टवेयर कोडिंग में क्या डिफरेंस है। ये हमारा पार्ट 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग आर टू डिस्टिंक्ट फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। व्हाइल दे आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑफ्टन ओवरलैप, दे इन्वॉल्व डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैव डिस्टिंक्ट फोकस। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन है और सॉफ्टवेयर कोडिंग है, ये दोनों ही एक अलग अलग फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी एप्लीकेशन। ये जो है दोनों इंटरकनेक्टेड है और ओवरलैप करते हैं एक दूसरे। डिफरेंट एक्टिविटीज हैव डिस्टिंक्ट फोकस, अलग अलग एक्टिविटीज में दोनों का अलग अलग फोकस होता है। तो समझते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? नंबर वन, इसकी डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए हाई लेवल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर इट इज इम्प्लीमेंट। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन है, ये एक प्रोसेस है क्रिएट करने का हाई लेवल प्लान और ब्लूप्रिंट, किस लिए? फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, बिफोर इम्प्लीमेंट, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज टू ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट गैदर्ड फ्रॉम स्टेक होल्डर इनटू ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है, इसका होता है ट्रांसलेट करना रिक्वायरमेंट जो कि हमने गैदर करी है स्टेक होल्डर से, उसको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में ऑफ ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन: आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर, डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स और कंपोनेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड डिटरमिनेशन ऑफ द सिस्टम जनरल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन की एक्टिविटीज हैं, उसमें हमारा इंक्लूड होता है डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल, कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन करना हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम जनरल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। एम्फेसिस: अंडरस्टैंडिंग द इशू, लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट एंड कमिंग अप विद द वर्केबल सॉल्यूशन आर द मेन गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन है, इसका मेन गोल है कि समझना क्या इशू है, उसकी रिक्वायरमेंट का ध्यान में करना और एक वर्केबल सॉल्यूशन के साथ में आना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रिसाइज इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इट एम्फेसाइज व्हाट एंड हाउ ऑफ द सिस्टम। डिलीवरेबल: द आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज टिपिकली इंक्लूड डिजाइन डॉक्यूमेंट, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर डायग्राम एंड अदर आर्टिफैक्ट दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो आउटकम है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज का, इसमें इंक्लूड होता है डिजाइन डॉक्यूमेंट, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर डिजाइन और अदर आर्टिफैक्ट जो कि डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर कोडिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर कोडिंग को जो है प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोडिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग, इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एक्चुअल कोड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर कोडिंग का कि ट्रांसलेट करना डिजाइन डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिकेशन को इनटू जो हमारे एग्जीक्यूटेबल कोड हो उसमें, दैट कैन बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय ए कंप्यूटर, जो कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेट हो जाए कंप्यूटर के द्वारा। हमारा सॉफ्टवेयर कोडिंग का यही मोटिव होता है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं इंग्लिश में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग इज टू ट्रांसलेट द डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफिकेशन इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड दैट कैन बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय ए कंप्यूटर। जैसा कि हमने समझा कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यह है कि जो हमारा कोड है उसको ट्रांसलेट करना एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो कि हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उसको समझ सकें। एक्टिविटीज: कोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग
टेस्टिंग एंड डीबगिंग कोड, जो हमारी सॉफ्टवेयर कोडिंग है की एक्टिविटीज में होता है, राइटिंग, टेस्टिंग और डीबगिंग यूजिंग ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फॉलोइंग कोडिंग कन्वेंशन आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनैलिटी, डिफाइनिंग एल्गोरिथम, वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट। इसका जो एक्टिविटीज होती है हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग की, इसमें इन्वॉल्व होता है लिखना, कोड को टेस्ट करना और डीबग करना, किसका यूज करके स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और फॉलोइंग कोड कन्वेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस का। इसमें इंक्लूड होता है इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनैलिटी, डिफाइनिंग एल्गोरिथम और वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट। कोडिंग प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूनिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ग्रामर एंड रूल्स। इट कंसेंट्रेट ऑन द हाउ ऑफ टर्निंग द कॉन्सेप्ट इनटू वर्केबल कंप्यूटर कोड। जो हमारे कोडिंग है ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस ऑन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूनिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इसमें ग्रामर, रूल्स और इसका जो कंसेंट्रेट होती है किस पर, किस तरीके से टर्न करा जाए कॉन्सेप्ट को वर्केबल कंप्यूटर कोड में। डिलीवरेबल द एक्चुअल सोर्स कोड फाइल और प्रोग्राम फाइल मे बी रन ऑन कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ द कोडिंग स्टेप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद हर्षित, और PDF सभी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।